छोटी छोटी दो बात याद आ गई मेरे कि हमारे गांव में प्रभु आया था, उम्र में लगभग 25 साल बड़ा था, पर मासी जी का आता मैंने बड़ी सिर मैं भाई मासी जी ने कहा अगर मैं भाई हूँ छोटा फिर आस पड़ता उसकी मिसाल है दो चार गांव में। एक नबला रहे प्रभु क्या भाई मेरा नौकरी कर लेगा रहा कर लूंगा भाई बता के तू बता भाई क्या काम कर जाना है क्या कर देगा तेरा बस साल ना तेरे बिस्तर गोल कर दूंगा तड़के तेरी खाट खड़ी वो मजाक कर दिया था इन प्यारे। एक बने हुए वो पुराने पैमान जब छड़ चंदे कठे करा करते ना बालक जब बालक मोर के गेल बाज रे और उसकी बीरबानी कई बार बीमार सी हो जाती कई बार ठीक हो जाती पर उन दिनों वह बीमार थी वो बालक बाजते जाने बोले ताऊ ताऊ क्या भाई बोले कटाऊ मोर देखा बोले एक तो पड़ा पुराने टेमा में उसकी मान दलिया बना लिया वो भी बाजरा का सुबह कुदरती काला हो है रही खी के मुझमें गुड़ गेर दिया पुराना कति काला श्या हो गया फिर भी देख लिया कि हाँ आज तो उल्टा काम हो रहा है रसोई का तो रहे ना है उसकी मान ली अरे फिर वो कि हम भाई रोटी खा ले नवार होने लगे फिर मच्छर माखिया हुआ उन्हें बेरा था कि बना रहा आज बोले मारण दे मापा खा लूंगा धरते तू धरकी सो जा मापा खा लूंगा पर माँ की तो ममता हो ना वो थोड़ी बार बाद फिर बोली बोले अरे फिर वो कि हम भाई रोटी खा लेने बोले लिया तो माँ वो दिन का छपा उसका टाइम हो रहा था उसके माँ का लाई दलिया दलिया देख की प्रभु ने उन्होंने मुंह कर लिया मेरी भाई की बात है अगमा इसके दिवा का फूक मार दे अग दिखा नहीं गा दो चार बात एक इतिहास की क्यों रानी रूपाणी 12 साल की तेसोटे के लिए जंगल बियाबान में चली जाती एक कुटिया को रहने लग जाती है उसका बेटा लकड़ा भी उसके साथ। एक ऐसा समय आया कि रानी रूपाणी बीमार हो जाती और उसने विचार कराया कि तू कदे ऐसा ना हो जा सर संसार तो चली जा अपने लड़के को अपने पास बुलाती और उसको लाड लड़ाती है और कैसे क्या कहती रूपाणी का बाप चढ़ा मन खतरा से बीमार
पूछ बालक याना मेरा छोटा कोशिश होशियार हुई तेरी रूपाणी के एक लाल ना तो चार की लार हुई समत माड़ी देखी खेली हुई रे खेली हुई ना फलवाड़ी देखी ओ जीव बेकार